एमनिस गेमिंग क्लासिक सोलो टूर्नामेंट में भाई आप सबका स्वागत है। और ये 43वां क्लासिक सोलो टूर्नामेंट है और यहाँ एक बंदे ने भाई प्लांट लगा दिया। यहाँ आराम से भाई जो पहला बंदा रहा तो भाई डायमंड लूटो, नहीं तो गोल्ड यही सब मिलता है भाई। मतलब ये तो देख रहा हूँ कि हर गेम में, मतलब यहाँ देखो एजी पुरवाना है, एजी फोकन, अरे भाई ये सब लगाए जा रहे हैं, क्या बात है। मतलब तो यहाँ पर तो लूट हो जा रही है। कल जो है 2 प्लांट लगे थे, आज 3 लग चुके हैं अभी तक। तो भाई लोग जो भी चैनल पर नहीं यार, फटाफट चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और यहाँ पर मैच जो होने जा रही है स्टार्ट, कुछ ही देर में आ जाएगी प्लेन। तो देखते हैं भाई आज बुइया कौन लेता है भाई, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत गजब का फाइट हो रहा है आजकल कस्टम में, बहुत तगड़ा, देखने में मज़ा आ रहा है। और यहाँ माफिया सूरजीत हमेशा की तरह भाई सबसे ऊपर अभी तक। और देखते हैं भाई सीजर वाइज, देखते हैं कौन सा बंदा पहले जंप कर रहा है। ऐसे जंप करने को तो बहुत सारे बंदे जंप कर चुके हैं। और यहाँ सीएन पटेल निकला बुलसे ही, माफिया स्काई तो अभी जंप किया ही नहीं है बाकी बंदे। और ये स्नाइपर एम्बोट निकल गया सीपीआर, उससे पहले भाई एक और बंदा जो है सीपीआर पहुंच रहा है, 2 बंदे सीपीआर पहुंच रहे हैं। और ये जिफ अगर यहाँ जंप किए फैक्ट्री, इस बंदे को भाई फैक्ट्री का नशा चढ़ा हुआ है। माफिया गुल्लू ये बंदा पहुंचा रिवर्स साइड, इधर आसपास कोई बंदा नहीं दिख रहा है। पीसी रणवीर की बात करें तो ये बंदा भाई पीक पहुंच गया, इनको चाहिए डबल M2B, लेकिन पीक पे तो भाई इतने सारे बंदे उतर गए कि यहाँ पीसी रणवीर की हालत टाइट हो सकती है। ओ भाई अब तो इनकी हालत हो गई ख़राब। और यहाँ जिप लाइन ले के शायद निकलेंगे, बिल्कुल लेना, अरे भाई लेना भूल गए। यहाँ स्मार्टी एम्बोट ने जी फकर को दे दिया हेडशॉट, लेकिन वो खुद हो गए एलिमिनेट। ऐसा क्या हो गया भाई कि खुद एलिमिनेट हो गए, लगता है अपना ही ग्रेनाइड या फिर किसी से हो गए ख़त्म। और यहाँ पीसी रणवीर को अब करना पड़ेगा कैंप, लेकिन तथागत यहाँ देख रहे हैं रिमनम विलेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मिस्टर सरकार ने भाई सुजल को तो फिर से ही ख़त्म कर दिया। अंकित LR SV लेजेंड भी नहीं इंडस्ट्रीज को, और अंकित LR मर सकते स्ट्रेप। माफिया स्काई ने रोशन को दिया हेडशॉट, बहुत तगड़ा, इन गेमिंग है 0 किल पर। ये बंदे के पास है Mac 7 और उड पेकर, 5G चच्चा भी हो गया ख़त्म। फिर से भाई 5G में थोड़ी सी देरी मिलेगी आप सबको। और ये बंदा मोनू भाई YT गजब का रिकॉर्ड बनाया भाई, मतलब क्या बोलूँ, 21 किल का रिकॉर्ड बनाया भाई SGCSS में, जो कि अभी तक लगता नहीं है कि जल्दी टूटने वाला, और शायद टूटे ना भी। और अर्जुन कुमार की बात करें तो ये बंदा तो सीपीआर में है, और यहाँ कूदे आधा हेल्पर और सामने बंदा भी है, तो मतलब इनकी जो पैंट गीली हो सकती है। वैसे पैंट छोटा है, गीला होगा, थोड़ा सा गीला होगा, बाकी सारे नीचे ही आ जाएंगे। और यहाँ इनको हेल्थ किट भी मिल गई, प्लाज्मा बायोमेट्रिक है शायद। और यहाँ सात्विक राज की बात करें तो ये बंदा भी है पिक पे, मिस्टर देव FF ने कर दिया। TX राजस्टार ने NG रागो को कर दिया ख़त्म, बहुत तगड़ा गेम प्ले यहाँ पर। 1 SP टाइसन की बात करें तो ये बंदा पहुँचा हुआ है ऑब्जर्वेटरी में, प्लाज्मा और साथ में मोनेटर 7। TX राजस्टार की बात करें तो ये बंदा प्लांटेशन में आराम से अपना बाउंटी कर लिया है क्लेम। माफिया गुल्लू ने इन गेमिंग 2 को कर दिया ख़त्म। अरे भाई ये बंदा तो जीता हुआ था अपना टूर्नामेंट जस्ट रिसेंट में, कल नहीं परसों वाले साथ टूर्नामेंट में जीता था ये बंदे ने 100 डायमंड का टॉप अप। और यहाँ NG जी सब 0 किल, क्योंकि बंदे ने भाई बहुत तगड़ा खेला, 6 किल करके भाई जीता था बंदा ये। तो भाई 3 किल टारगेट भी हो गया था पूरा, आराम से इनको मिल गया टॉप अप। और यहाँ NG जी सब 0 किल पर है क्लॉक टावर में आराम से नीचे, लेकिन नीचे तो भाई बंदा नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत लूट जरूर मिल जाएगा। और यहाँ मिस्टर देव FF का हो चुका है 1 किल। और भाई ये तो अभी रिसेंट वाला डुप्लेक्स कैच है भाई, ये वाला गन मतलब बैकपैक तो निकाल ही लिए, और लगता है मेरे को कि ग्लूवल भी जरूर निकाल ही लिए होंगे। और ऐसे भाई अभी तो न्यूज़ आ रहा है कि इवेंट आने वाली है जिसमें मतलब जो FFWS चलने वाली है उसका लाइव वॉचिंग शायद कितना 15,000 वॉचिंग या फिर 1,50,000 वॉचिंग पर जो है बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं। मतलब 7 गिफ्ट दिया जाएगा जिसमें से कोई भी भाई आप एक चूज कर सकते हैं। उसमें जो है पुराने ग्लूवल के स्किन भी है, इमोट भी है कुछ, तो भाई उसमें आराम से सोच समझ के ले लेना। और यहाँ आराम से वॉल लगा दिए, लेकिन हालत इनकी है ख़राब, सामने शायद हैं। ओ भाई दोनों तरफ से हालत ख़राब इनकी मिस्टर देव FF। और ये बंदा यहाँ बैक ले रहा है, और बैक ले भी लिया।
बहुत बढ़िया बैग लिया है, एकदम बैग लिए जा रहा है और सब लग रहा है कि बहुत जल्द अब जो है अपने घर भी पहुंच जाएगा, और बिल्कुल पहुंच रहा है। लेकिन पहुंच के क्या करेगा, इधर भी बंदा है और ये बंदा भाई इधर से बैग ले लिया। अरे एलजी पूनम की बात करें तो अरे जी पूनम है पोचीनॉक में। जी पूनम जी, आपके बगल में ही बंदा है, आप थोड़ा उस पर मारने का कष्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 5+ भुइया का टारगेट है। कैंप करके जीतने से कोई फ़ायदा है नहीं। और एरो अभी की बात करें तो ये बंदा भाई फैक्ट्री के जस्ट बगल वाले, मतलब क्लॉक टावर के आसपास वाले हवेली में आराम से बंदा ये भी कैंप कर रहा है। UMP और साथ में M10, लगता है लॉन्ग रेंज का गन कोई मिला नहीं है। और LG लेजेंड, ये बंदे ने किसको ठोक दिया, मैंने नाम से ध्यान से देखा भी नहीं। और WTF अमन भी है, 0 किल बंदा है हैंगर में। अरे भाई ओ भाई, लो रिमोट दिखा के मजाक उड़ा के फिर गुलाब देख के भाई, ओ भाई ऊपर बंदा है, तो मतलब यहाँ जो है शायद यहाँ टीमिंग किया हुआ है। चलो देख ही लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, टीमिंग क्या नहीं है कहानी, ये कहानी कुछ और का है। हाँ मारू G17 ने डिफॉल्टर को कर दिया ख़त्म। वो बंदा भी भाई नीचे जंप कर गया, कौन सा बंदा है भाई। SV लेजेंड भी तो बीमा शक्ति स्ट्रिप है। आशीष केप टाउन, अरे भाई जोन आ रहा है। बंदा गया तो गया कहाँ, अभी भी है कंफ्यूजन या छत पे चढ़ गया वापस। ओ भाई, और यहाँ M10 गौतम ने WTF अमन को किया ख़त्म, बहुत तगड़ा। SV लेजेंड भी कहो चुका है डबल किल। आशीष 420 है केप टाउन पर। LG लेजेंड JD की बात, CN पटेल ने अरुण कुमार को कर दिया ख़त्म टट्टा भाई। और LG लेजेंड जी का भाई यहाँ पर 1 किल इनको मिल चुका है। और बंदे के पास प्लाज्मा और P90। अरे भाई कंट्रोल कीजिए अपने फीलिंग्स को, फालतू का आप गोली चला रहे हैं, वैसे प्लाज्मा चार्ज हो जाए तो फिर फायर होगा नहीं। वहाँ एक और बंदा लग तो नहीं रहा, फिर चला क्यों रहा भाई। और यहाँ चिकू ने VNM चिफ को कर दिया ख़त्म, मतलब 22 बंदे अलाइव हैं आज। थोड़ा बंदे लेट से मरे हैं भाई, क्योंकि 6:30, ओ भाई सही में बंदा था इसीलिए पागल हो रहा था ये बंदा, हमें तो मालूम ही नहीं था, हमको लगा फालतू का गोली चला रहा है। और यहाँ CN पटेल ने मिस्टर देव FF को भी दे दिया हेडशॉट, बहुत तगड़ा खेल रहे हैं यहाँ पर। अरे भाई कम से कम उठ के मारो, इतना डर रहे हो तो कैसे काम चलेगा यार। सोलह 17 का डैमेज लगा, आराम से बंदा जो आराम से घुस के बैठ जाएगा। एरो भी तो भाई इसी जगह पर है, फिर से सारे बंदों को एक बार देख लेते हैं जो जो बच गया है। PV Sandhu 29, ये बंदा है प्लांटेशन, और सामने दिख गया है बंदा। अब वहां से बंदा भागे भी तो कहां से भागे, पता नहीं उसे वाल मिला भी होगा नहीं। और यहां निकल गया, पहुंचा है गैरेज में। चीकू ने मिस्टर सरकार को किया ख़त्म, ग्रेनाइट से ही काम तमाम उनका हो चुका है। और यहाँ PV Sandhu को भाई रश करना चाहिए था यार, बंदा पूरी तरह से डैमेज है, उसके पास वॉल की कमी है, इसलिए वो भागा गैरेज में। और यहाँ इतना बैक ले लिया, हर जगह बंदे मिलेंगे। ओ भाई क्या कहे। और यहाँ चीकू का तो भाई 4 किल हो चुका है पूरा, मतलब बस 1 किल बाकी है टारगेट कंप्लीट करने में, उसके बाद बस बुइया लेना होगा, काम थोड़ा आसान हो जाएगा यहाँ चीकू के लिए। दिव्यांश 1 किल पे, ये बंदा भी है पोचिनॉक पे, लेकिन ये करना क्या चाह रहा है भाई। AR-94+ शॉटगन है ही, इतना तगड़ा कॉम्बो है, फिर यहाँ पर आराम से फाइट लेना चाहिए, लेकिन ये बंदा कर रहा है कैंप। गौतम का हुआ 1 किल, मेरे को जहाँ तक लगता है टावर पर ये बंदा चढ़ जाएगा। CN पटेल का हो चुका है 2 किल, ये बंदा ऑब्जर्वेटरी में जोन में बुरी तरह से फंसा हुआ है। स्नाइपर एम्बोट ने PV Sandhu 29 को किया ख़त्म, और मेरे को जहाँ तक लगता है कौन सा बंदा भाई। और
और इनको भाई कुछ लूट का सामान यहाँ आराम से देंगे। जी ऋषभ ने सातवीं दास को किया खत्म और पीसी रणवीर तो भाई शहीद हो गए क्योंकि इनको लूट उट कुछ मिला नहीं था। स्नाइपर एम्बोट ये बंदा था भाई एक किल पर जो कि आराम से यहाँ से निकल गया। हाँ मारू GJ710 ये बंदा भाई एक किल पर अभी तक आराम से जोन में तो पहुंच गया। मशरूम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन भाई इनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकी पेट ऑलरेडी भरी हुई है। एक बंदा शायद यहाँ लगा सामने में कोई है। ओ भाई आराम से झंडा गाड़ के भाई कॉफ़ी पीना चाहेंगे। वन स्पीड टाइसन ने भाई एनजी दी सबको गजब का दे दिया है शॉट। हेलो ब्रो हेलो तथागत। ओ भाई इनके पास लोकेशन मिल गया। तथागत भी ज़्यादा दूर नहीं। नहीं ये तो भाई बहुत बंदा दूर है यार। तथागत है जीरो किल बीमा शक्ति स्ट्रिप। इस बंदे को भाई कुछ मिला नहीं है। जोन देख लेते हैं एक बार। जोन तो भाई पीक पोचिनोक और फैक्ट्री में ही बनेगा और कोटा टू का साथ में। इनको निकलना पड़ेगा। इंड गेमिंग टू तो भाई ख़त्म हो गया लेकिन इंड गेमिंग बाकी है। दोनों बंदे भाई लगते हैं आसपास एक दूसरे को जानते ही हैं क्योंकि नाम जो है भाई पूरा का पूरा सेम है। या तो एक ही गिल्ड के नहीं तो एक ही घर के। और यहाँ पर देखेंगे क्या होने वाला है कहानी। ड्रैगन एके प्लस एमोनेटेड 7 मोनू भाई वाइटी की बात करें तो इस बंदे का भाई एक किल हुआ है अभी तक इसी हवेली में। मतलब यहाँ इस हवेली में जो कैंप कर रहा था वो हो गया शहीद। वन एच पी टाइसन का भी वही हाल है। अरे भाई एल जी लेजेंड का तो हालत ख़राब है। और यहाँ पर गौतम ने वन एच पी टाइसन को कर दिया ख़त्म। एच जी हार्ड जस्ट क्लॉक्ड आउट पहुँचे और यहीं हुआ है फाइट भी। तो यहाँ मौका का फ़ायदा वैसे उठा सकते हैं। इनके पास भी है कॉम करेक्टर। अगर बगल में देखे क्लॉक टावर से सीढ़ी पे जस्ट चढ़ेंगे तो इनका ऐसा कहानी देखने को मिलेगा। एक बंदा तो भाई मिल ही जाएगा अभी तक है जीरो किल। लेकिन ये बंदा जो है भाई जोन में जाना ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है। एस वी लेजेंड भी की बात करें तो ये तो पोचिनोक में ये दो किल पर। स्कैनर में कोई बंदा दिखाया नहीं लेकिन वैसे इस बंदा है तो। और ये बंदा तो भाई गजब का कैंप किया हुआ है यार कोटा टूआ में। क्या बोलूँ मैं मतलब क्या ही बोलूँ। कैम्प करने से भाई कुछ होगा नहीं यार। फिर किल टारगेट कंप्लीट नहीं होगा उसके बाद भुया ले लोगे फिर बोलोगे भाई तुमने कुछ दिया नहीं यार। मतलब रूल्स को भी फॉलो करो यार। रूल्स भी फॉलो करना जरूरी है। रूल्स तो भाई है कस्टम में मजा रखने के लिए और इससे आपका गेम प्ले भी सुधरेगा। दोनों काम होना चाहिए। और यहाँ मात्र 13 बंदे लाइव हैं भाई लोग। चैनल पर जो भी न्यू है फटाफट चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए भाई टूर्नामेंट तो ऐसे मैं रोज़ करवाता रहता हूँ हर दिन 2 बजे। बाई चांस कभी कभी लेट हो जाता है तो उसके लिए सॉरी ब्रो क्योंकि भाई बहुत सारे काम होते हैं तो उसमें कभी कभी टाइम निकाल पाना में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है तो उसके लिए भाई माफ़ी चाहूँगा मैं। और पीक पे वैसे आ तो गए हैं। आमने सामने कोई बंदा दिख नहीं रहा है लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आमने सामने बंदा दिख नहीं रहा है। और यहाँ मोनू भाई वाइटी ने गौतम को दे दिया हेडशॉट बहुत तगड़ा है। चीकू की बात करें तो ये बंदा तो है भाई पोचिनोक में ही। मतलब अगल बगल शायद बंदा दिख रहा है। वो भाई कान लगा कर सुन। अरे भाई तुम तो रुमाल छेद करके अपना चेहरा दिखा दिए। 4 किल हो चुका है और ये बंदा भी सही कर रहा है यार। 4 किल हो चुका है अभी कैंप किया हुआ है। मतलब 5वां किल का कर रहा है इंतज़ार क्योंकि अगर अभी भी रश करेगा तो भाई ऐसे बहुत बंदे चले गए हवा खाने। मतलब किल टारगेट कंप्लीट हो जाने के बाद भी हो गया पहले शहीद। और यार जेडी ने भाई हेडशॉट दे दिया बहुत गजब का। दिव्यांश की बात करें तो ये बंदा भी भाई पोचिनोक में जस्ट ये भी कैंप किया हुआ है लेकिन ये बंदा भाई 1 किल पर कैंप किया हुआ। भाई तुमको तो भाई अभी बाहर निकल के रश करना था। और फालतू का भाई बगल में बंदा है फालतू का तुम लोकेशन दे बैठा यार। छेद करके क्यों मान रहे हो यार छेद मत करो। यहाँ जी अपूर्वा की बात करें तो भाई इनको पहला किल मुबारक हो और इस खुशी में भाई नाचेंगे ये झूम झूम कर नाचेंगे। मतलब क्या ही बोले चड्डी फाल देंगे नाचते नाचते लेकिन नाचेंगे जरूर। और यहाँ पर अपना लूट उठा लेते हैं आराम से मैं 2B का कमाल यहाँ। और हाँ मारू G17 की बात करें तो ये बंदा का भी हुआ 1 किल लेकिन ये जाना कहाँ रहा है भाई नीचे तो कोई है नहीं। ये लगता है फैक्ट्री की तरफ जाएंगे। अरे भाई फिर से घूम के वहीं आ गए। नहीं ये बहुत गलत बात है यार ऐसे तुम गोल गोल घूमोगे तो कैसे काम चलेगा। और मेरे को जहाँ तक लगता है वो नहीं नहीं ये वो नहीं है गया गया। पुरवा का हो चुका है यहाँ पर हालत ख़राब।
इनका हालत यहीं ख़राब हो चुका है और होगा ही क्यों नहीं, क्योंकि जोन भाई बहुत लंबा आ चुका है और यहाँ जी पूर्वा जोन में ही ख़त्म होंगे। इतना भाई खड़ा होने का टाइम नहीं यार, फटाफट निकलो मारो। और यहाँ इनका एलिमिनेशन का चांसेस भाई पूरा बहुत ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि जोन भाई बहुत ज़्यादा ही दूर है और यहाँ खड़े रह के मेडिकेट लेने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए भाई दौड़ के भागना भी पड़ेगा। और लगता है इनके पास मेडिकेट की कमी पड़ गई है, नहीं मेडिकेट तो अभी एक दिख रहा है। चलो भाई लोग यहाँ देखते हैं जोन में सेफली पहुँच पाते हैं या नहीं। बिल्कुल नहीं पहुँचेंगे, सामने बंदा आ गया है। ओ भाई एकदम मुश्किल टाइम में भाई गलती से, यार गलती नहीं बोलेंगे, हल्का सा दिमाग लगा लास्ट मोमेंट पे जंप कर दिया और ये बंदा यहाँ पहुँच गया है। और वो बंदा आराम से जा रहा है। और यहाँ दिव्यांश ने जी पूर्वा को दे दिया हेडशॉट घर बैठे बैठे, अब क्या बोलेंगे। और यहाँ एलजी लेजेंड जी जेडी ने भाई तथागत को कर दिया ख़त्म, मतलब सिर्फ 8 बंदे बाकी है इस घर में, एक और बंदा दिख ही रहा है, आराम से हेड कनेक्ट करके दे दिया। और ये बंदा को भी मालूम चल गया कि यहाँ पर भी एक बंदा था, इनको जो है भाई घर में जाना बहुत ज़्यादा सेफ है और बिल्कुल। अरे भाई और यहाँ जी हर्ट हो चुके हैं ख़त्म, बहुत तगड़ा 2 किल पर पहुँचे। अरे 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 लेकिन सामने एक और बंदा भाई, उस पर भी ध्यान दो। और यहाँ इनकी हो गई पैंट भी। और दिव्यांश ने हाँ मारू जी 17 को भी किया ख़त्म। इन गेमिंग है यहाँ 0 किल पर जस्ट नज़दीक है, इधर हो रही है फाइट। एल सेप नहीं सीमेंटेड, हाँ इनको बंदा वैसे दिख भी गया है लेकिन यहाँ से बैग ले लिए या फिर बंदे पे ध्यान नहीं दिए, मामला कुछ और है। लेकिन मामला जो भी है भाई जोन में तो तुमको निकलना पड़ेगा और यहाँ जोन में निकल रहे हैं। इन गेमिंग का हो रही है हालत ख़राब, इस घर में भी बंदा है, जाए तो बंदा जाए कहाँ, हर जगह से गोलियाँ पड़ रही हैं, ग्रेनाइट की कमी लगती है, नहीं तो अभी तक एक बंदा जो है जरूर डाउन हो गया होता। और यहाँ मौके का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं इन द गेमिंग। ओ भाई घर में गए, घर में गए और यहाँ पर हालत ख़राब है इन गेमिंग की। लेकिन इन गेमिंग ने एसबी लेजेंड बी को दिया गजब का हेडशॉट और बाल बाल बचे 4 बंदे अलाइव, देख लेते हैं कौन कौन बाकी है। चीकू जो कि हैं 4 किल पे आराम से भाई पूरा सेफ साइड में, मतलब मेरे को जहाँ तक लगता है इनका बुइया तय है 100%, इसमें कोई शक नहीं है। दिव्यांश है 3 किल पर, इनको मालूम चल गया शायद कि सामने बंदा है, इन गेमिंग भी है ही एक किल और एक और बंदा यहीं है, चलो नाम मालूम अभी चल जाएगा। इन गेमिंग तो निकल गया, वो बंदा कहाँ है, एलजी लेजेंड जेडी 6 किलो भाई, अभी तो इस बंदे पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, ये बंदा टारगेट से एक्स्ट्रा चल रहा है अभी। किल के मामले में तो भाई हर जगह इधर किले किले, सामने 2 बंदा। ओ भाई इन गेमिंग हो चुके हैं एलिमिनेट, ऊपर भी बंदा है और लेजेंड जेडी का है हालत ख़राब और बाल बाल बच गए यहाँ पर। वैसे चीकू को भी भाई बहुत अच्छा खासा शॉट लग चुका है, कुछ बोल नहीं सकते हैं। जोन तो भाई मतलब जोन से ज़्यादा सेफ साइड में तो यहाँ पर चीकू ही खड़ा है, चलो देखते हैं चीकू का कमाल क्या करता है चीकू। ओ भाई एकदम धीरे 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 आगे बढ़े जा रहे हैं चीकू, दोनों तरफ से भाई दोनों बंदे भाई रश कर रहे हैं। और वहाँ हुआ फाइट और यहाँ फ़ायदा उठाएंगे और चीकू तो भाई हो गया एलिमिनेट। अब लेजेंड जेडी वर्सेज कौन सा बंदा है भाई, और लेजेंड जेडी ने भाई दिव्यांश को किया ख़त्म और ले लिया बुइया, मतलब भाई बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। इनका टारगेट भी हो चुका है पूरा, मेरे को जहाँ तक लगता है 7 किल से हुआ है, एक बार देख लेते हैं लीडर बोर्ड आ जाने दो। और हाँ बिल्कुल 7 किल किया, बंदे का किल टारगेट भी हो गया पूरा, टीमिंग भी नहीं किया और साथ में भाई बुइया भी लिया, तो इनका जो गिव है वो तो भाई पक्का। सेकेंड नंबर पर दिव्यांश, थर्ड नंबर पर चिकू, बढ़िया खेला भाई लेकिन हल्का सा पहले हो गया शहीद बाकी सारे बंदे। तो भाई एक 4 किल पर बंदा मिस्टर सरकार, ये 20वां नंबर पे मर गया भाई, बहुत तगड़ा खेला। तो भाई लोग फटाफट चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करो, इसके बाद जस्ट मैं गिवअवे दे देता हूँ। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।
हेलो। हाँ ठीक है, 6308501 6। देखो चला गया। चलो थैंक यू ब्रो। हाँ बाय बाय। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।